भारतीय जनता पार्टी। आप भी आ जाओ भाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में जन सुरक्षा यात्रा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जन सुरक्षा यात्रा लेकर निकलने की? केरल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, संघ और भारतीय जनता पार्टी के 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर, और हत्या इस प्रकार से करते हैं जिससे शरीर के क्षत विक्षत टुकड़े टुकड़े कर दिए। जान से मार देना भी बहुत घृणास्पद बात है, मगर यहाँ फोटो लगे हैं। मेरा मीडिया से निवेदन है कि फोटो को जरा आप जनता को दिखाइए, आपके माध्यम से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते। और क्या मकसद है? जान तो एक गोली से भी जा सकती है, टुकड़े टुकड़े क्या करते, क्यों करते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? वो भय खड़ा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ा उसकी इतनी क्रूरता पूर्वक हत्या हो। मैं आज पार्टी के अध्यक्ष के नाते ये सारे लाल भाई जो फैले हुए हैं उनको कहना चाहता हूं, हत्या का कीचड़ जितना आप बढ़ाओगे कमल उतना ही अच्छे से खिलकर बाहर। हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा बलिदानों से डरने वाली नहीं है। हम मां भारती के लिए और हमारी विचारधारा के लिए प्राण देने के लिए सदैव सदैव तैयार रहते हैं। मगर इतना याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये हत्याओं को सहन भी नहीं करेगा। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, हम साम्यवादी नहीं है, हम हिंसा की राजनीति में भरोसा नहीं करते। मगर हम जन जागृति ऐसी फैलाएंगे कि आप आपके कार्यालय को छोड़कर कार्यालय के बाहर न निकल पाओ, इतना जन आक्रोश आपके सामने खड़ा है।